सो हेलो माई डियर हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन बच्चा पार्टी आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम व्यू माई सेल्फ शास्था सो एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं गाइज़ और ये हाई टाइम है यू हैव टू प्रिपेयर इट यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम माई डियर एंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन यू दैट विल प्रिपेयर यू फॉर ऑल काइंड ऑफ एच पी एग्जाम देन यू आर इन द राइट प्लेस सो प्लीज़ विजिट आवर चैनल प्ले लिस्ट होप यू विल भी बेनिफिटेड सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशंस जो कि हमारे रह गए थे ठीक है हमने कल वाली वीडियो में सिक्सटीन टू सेवनटीन आई थिंक अबाउट सिक्सटीन टू सेवनटीन प्रपोजिशंस हमने कवर किए थे तो आज हम जो है वो और प्रपोजिशन कवर करेंगे जो रह गए हैं आई थिंक फाइव टू सिक्स ठीक है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी प्रपोजिशन के में और लास्ट में आपको जो है वो असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूँगी सो इफ एनी वन इज़ विलिंग टू गिव मॉक टेस्ट बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जाम देन ही और शी इज़ वेलकम्ड देन दे कैन जॉइन अव व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप

डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन भी यूज विद एनी टेंस किसी भी टेंस के साथ यूज हो सकता है ये पीरियड ऑफ टाइम को सजेस्ट करते हैं जैसे कि ड्यूरेशन क्या है टू आवर्स है थ्री आवर्स है अवधि जिसको आप बोलते हैं हिंदी में कितनी देर से जो है वो हो रहा है काम कितनी देर से चला है कितनी देर तक जो है वो चलने वाला है सो so ये किससे पता लगता है फॉर से पता लगता है सजेस्ट द पर्पज ऑफ एन एक्शन टू पॉइंट आउट अ पर्सन थिंग इफेक्टेड बाई इट एक एक्शन है जिस एक्शन की वजह से एक पर्सन और थिंग पे पॉइंट आउट हो रहा है जिसको उससे अफेक्ट हुआ है ठीक है पीरियड ऑफ टाइम बताता है बिगिनिंग से लेके एंड ओके जैसे कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा फॉर टू आवर्स फॉर नाइन आवर्स फॉर टेन आवर्स फॉर टू डेज ठीक है जहाँ पे भी न्यूमिरल आ जाएगा जहाँ पे भी न्यूमिरल आ जाएगा वहाँ पे आपने क्या लगाना है फॉर लगाना है जैसे कि एग्जाम्पल में देखो शी हैज़ बीन हेयर फॉर फोर डेज नाउ वो यहाँ पे जो है वो चार दिनों से है तो यहाँ पे जो आपका एफ ओ यू आर है ना फॉर ठीक है ये जो फ़ोर है इसके साथ आपने क्या लगाना है फ़ोर लगाना है इसके साथ क्या लगाना है फ़ोर क्योंकि एक न्यूमिरल है क्या है ये न्यूमिरल है और ये जो फ़ौर है है किसी भी टेंस के साथ यूज़ किया जा सकता है ओके okay. सेकेंड देखो डिड ही आस्क फॉर टी क्या उसने तुम्हें टी के लिए चाय के लिए पूछा तो अगर मैं बोलती कि डिड ही आस्क तो तो फिर यहाँ पे जो है वो फॉर नहीं लगना था कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगना था वो दिख ही रहा है लेकिन आस्क फॉर टी भी जब इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ पे फॉर लगा दिया गया है ठीक है तो फॉर जो है टी को पॉइंट आउट कर रहा है एक पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि टी है ठीक है पर्टिकुलर थिंग को जब पॉइंट आउट करते हैं तो क्या लगता है फॉर लगता है क्या लगता है फॉर लगता है तो मैं आपको फॉर फिर बता रही हूँ इसका मतलब हिंदी में होता है के लिए इसका मतलब होता है के लिए कि कोई भी चीज की, की, की ड्यूरेशन क्या है कितनी देर से वो चली हुई है कोई भी काम है या कुछ भी है ठीक है फिर उसके बाद आ जाएगा फ्रॉम कैन बी यूज विद ऑल फॉर्म ऑफ टेंसेज जितने भी फॉर्म है टेंस के सबके साथ यूज किया जा सकता है ठीक है इंडिकेट बिगिनिंग एट द स्टेटेड टाइम एंड कंटिन्यूइंग टू अदर स्टेटेड टाइम प्लेस रैंक पोजिशन प्राइस नंबर एक्सेट्रा ठीक है एक किसी स्टेटेड टाइम या प्लेस पे ये बताएगा और कब तक कंटिन्यू होगा वो काम स्टेटेड प्लेस टाइम रैंक पोजिशन प्राइस नंबर यहाँ तक ठीक है समझ लो कि जैसे मैं बोलूँ कि फ्रॉम uh, नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन थर्टी फाइव तो नाइनटीन थर्टी क्या है एक स्टेटेड ईयर है स्टेटेड टाइम है इससे कहाँ तक हो रहा है नाइनटीन थर्टी फाइव तक हो रहा है तो वो क्या है कि जो काम नाइनटीन थर्टी पर स्टार्ट हुआ था ठीक है वो नाइनटीन थर्टी फाइव तक जो है वो चला हुआ है तो इसमें क्या पता लग रहा है आपको येस yes. ये उसकी क्या है फाइनल प्लेस है क्या है फाइनल प्लेस जैसे कि द डिलेक्ट एक्सप्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम अमृतसर अब जो इसका स्टेटेड टाइम क्या है स्टेटेड टाइम भी होगा एक्सप्रेस का किसी का ठीक है तो इसकी स्टेटेड प्लेस क्या है अमृतसर है ये यहाँ से स्टार्ट करेगी कौन डिलेक्स एक्सप्रेस ठीक है यहाँ से स्टार्ट करेगी तो इसकी स्टार्टिंग प्लेस क्या है अमृतसर हुई हाउ फार इज़ द बस स्टैंड फ्रॉम हेयर यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है सो so, हेयर क्या है स्टार्टिंग प्लेस अभी यहाँ पे मैं इस जगह खड़ी हूँ अगर समझ लो सपोज और मुझे बस स्टैंड तक जाना है तो जहाँ पे मैं खड़ी हूँगी वो मेरा स्टार्टिंग प्लेस होगा और फाइनल प्लेस क्या होगा फाइनल प्लेस होगा मेरा बस स्टैंड ओके सो इसके लिए फ्रॉम जो है वो यूज किया जाता है सिंस सिंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये याद रखो सिंस जो है वो एस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है एस लेटर से ठीक है और ऐसे लेटर -E से क्या स्टार्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या स्टार्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट यूज ओनली विद परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज ठीक है ये सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेसिस के साथ यूज होगा जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ठीक है इसमें क्या है यूज टू ज्वाइन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन टू द वर्ब इंडिकेटेड इन दिस एक्शन ठीक है मैंने आपको बताया अभी बताया मैंने आपको सिंस जैसे ही मैंने सेंस वर्ड बोला मैंने आपको बताया ऐसे सेंस होता है ऐसे ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो आपने ये याद रखना है स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कब से काम शुरू हो हुआ है ठीक है जब से काम शुरू हुआ होगा तब का जो पॉइंट होता है वो वहाँ पर क्या लगता है सेंस लगता है ओके okay, जैसे कि यहाँ पे है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट मुंबई ठीक है जब से उसने मुंबई लेफ्ट किया तब से उसने नहीं देखा ना तो इधर क्या लगेगा सिंस लगेगा इधर क्या लगेगा सिंस लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग टाइम जो है उसका वो वही था ठीक है उसने जब से छोड़ा वो उसका स्टार्टिंग टाइम था ठीक है उसने तब से उसको नहीं देखा सो so ये ऐसा वर्ब है जो कि डिनोट कर रही है उसके एक्शन को ठीक है जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस टू तो टू क्या है मेरा स्टार्टिंग ईयर है क्या है स्टार्टिंग ईयर है स्टार्टिंग टाइम ईयर जो भी है पर स्टार्टिंग जो जहाँ से होगी स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट को जो बताएगा वो क्या वहां पे क्या यूज होगा सिंस यूज होगा वहाँ पे क्या यूज होगा सिंस यूज होगा फॉर जो है वहां पे यूज होता है कि कितने टाइम तक चला ड्यूरेशन को बताता है लेकिन सिंस जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ उधर से जो है वो बताता है सो नाइनटींथ डाउन डाउन तो आपको पता ही है जब लोअर पोजिशन में आते हैं तो क्या यूज होता है डाउन आई सो हर कमिंग डाउन द स्टेयर्स मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा तो नीचे डाउन क्या है यहाँ पे पोजीशन की तरफ आते हैं तो डाउन लगता है अपोजिट अब, अब जो जो है तभी हायर पोजिशन पे जाएगा वो ठीक है जैसे विल यू अब तो यहाँ पे जो है वो क्या लगेगा अप लगेगा जब भी कोई हायर पोजीशन या हायर डायरेक्शन की तरफ जो कोई चीज जाएगी मूवमेंट होगी और जब लोअर की तरफ मूवमेंट होगी तो क्या लगेगा डाउन लगेगा सो so, अब यहाँ पे जो है आपने क्या करना है यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है फॉर अप डाउन फ्रॉम सिंस। जैसे कि शी हैज बीन देयर डैश फॉर डेज नाउ शी हैज बीन देयर डैश फॉर डेज नाउ जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या होगा फास्ट आई एम वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन फॉर द राइट आंसर सो यस yes, यहाँ पे क्या लगेगा फॉर लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ पे भी नंबर होता है वहाँ पे फॉर लगता है अब जैसे कि ये जो एफ ओ यू आर है ये क्या है एक नंबर है एफ ओ यू आर एक नंबर है न्यूमिरल है सो so, अगर मैं फोर ट्वेल्व होता और सपोज नाइन होता टेन होता तो यहाँ पे क्या लगना था फॉर ही लगना था अगर मैं बोलूँ फोर मंथ्स फोर ईयर्स हैं तो आपने यहाँ पे फिर भी फॉर ही लगाना है द मार्टियर्स डाइड डैश देयर कंट्री मार्टियर्स जो हैं उन्होंने अपनी कंट्री के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए जान दे दी ठीक है सो so, के लिए जब आता है तो क्या होता है फॉर होता है आपने अगर आपको फिर भी पता नहीं लगता है तो आपने जो भी इंग्लिश में आपको सेंटेंस दिया है उसको हिंदी में आपने ट्रांसलेट कर लेना है मन में तो आपको पता लग जाएगा ओके हैव यू नोटिस द चेंज इन हर डैश शी ज्वाइन द आर्मी इसमें बताइए फॉर लगेगा सिंस लगेगा यस yes. यहाँ पे क्या लगेगा वेरी गुड यहाँ पे लगेगा सिंस सेंस लगेगा यहाँ पे ठीक है क्योंकि जब से उसने ज्वाइन किया है तब से उसमें कोई चेंज तो कोई जब चेंज है तो चेंज क्या कर रहा है डिनोटिंग एक्शन ठीक है और ज्वाइन द आर्मी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट जब उसने जैसे ही ज्वाइन किया तब से उसमें तुमने, तुमने चेंज देखा ही हैज़ बीन रिसाइडिंग हेयर डैश नाइनटीन सिक्सटी फाइव वो यहीं पर रह रहा है नाइनटीन सिक्सटी फाइव से सो नाइनटीन सिक्सटी फाइव से रह रहा है तो उसका स्टार्टिंग ईयर या स्टार्टिंग टाइम बोल लूँ या स्टार्टिंग पॉइंट बोल लूँ तो वो क्या नाइनटीन सिक्सटी फाइव है जब स्टार्टिंग की बात आती है जब वो जब से स्टार्ट किया उसने तो क्या आता है सिंस आता है क्या आता है सिंस स्टूडेंट्स डैश द फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड मस्ट हैव परसेंट अटेंडेंस स्टूडेंट्स जो फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स है उनके कितने अटेंडेंस जरूरी है 80% अटेंडेंस ठीक है तो यहां पे क्या लगेगा फॉर अप डाउन फ्रॉम सिंस क्या लगेगा वेरी गुड फ्रॉम

प्लीज सेट डैश विल यू ये तो आपने ही करना है प्लीज सेट डैश विल यू जल्दी कीजिए जल्दी बी अटेंटिव यस प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन वेरी गुड होशियार तो हो ही वैसे तुम लोग इतना तो पता ही है मुझे चलो ट्वेंटी वन अब शो समथिंग और सम वन हायर इन प्लेस क्वालिटी वैल्यू पोजिशन और रैंक कोई चीज समथिंग या सम वन समन एक पर्सन के लिए हो सकता है समथिंग एक थिंग के लिए हो सकता है या प्लेस के लिए हो सकता तो है जो समथिंग या संबंध जो है जो कि हायर है किसमें प्लेस क्वालिटी वैल्यू पोजिशन रैंक में जैसे कि मैं बोलूँ आई रैंक ऑनेस्टी अबव क्लेवरनेस मैं जो ऑनेस्टी होती है उसको क्लेवरनेस से ऊपर रखती हूँ ठीक है तो ऑनेस्टी और क्लेवरनेस के क्वालिटीज़ हैं क्या है क्वालिटीज़ तो क्वालिटीज क्या है ऑनेस्टी जो है वो एक ऐसी क्वालिटी है जिसको मैं क्लेवरनेस से वाइजनेस से है ना हायर रखती हूँ तो जब भी कोई चीज है उसकी पोजीशन हायर होती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वैल्यू पोजीशन रैंक प्लेस तो वहाँ पे क्या लगता है अबव लगता है जैसे कि अ कैप्टन इज अबव लेफ्टिनेंट कैप्टन जो है वो लेफ्टिनेंट से ऊपर वाला होता है ठीक है लेफ्टिनेंट से ऊपर वाली रैंक क्या बोलते हैं कैप्टन बोलते हैं तो ये यह क्या यहाँ पे क्या बता रहा है इन टर्म्स ऑफ रैंक यहाँ पे क्या लग रहा है रैंक लग रहा है ओके सो अब मुझे एक बात बताओ जो ऑनेस्टी वर्ड है आई रैंक ऑनेस्टी ऑनेस्टी के आगे एन लगेगा द लगेगा कि अ लगेगा

लगाने से पहले सुटेबल आर्टिकल लगाने से पहले प्रोनाउंसिएशन यू हैव टू चेक द प्रोनासिएशन ठीक है अगर इनिशियल साउंड जो है वो वॉबल की आ रही हो जैसे ऑन में इनिशियल साउंड किसकी आ रही okay, है वॉबल की ओ की है ना तो यहाँ पे क्या लगेगा एन समझ गए ओवर ओवर क्या होगा शोज दैट सम वन और समथिंग इज और हैज बीन प्लेस्ड हायर देन समथिंग और सम वन एल्स कंफ्यूज नहीं होना है इसका मतलब क्या है कि कोई चीज जो है समथिंग और सम वन ठीक है कोई चीज है जिसके ऊपर जो है किसी और चीज़ को किसी और समथिंग और संबंध को समझ लो रख दिया गया ठीक है तो उसकी पोजीशन हायर हो गई ठीक है किसी चीज के ऊपर किसी समथिंग संबंध किसी पर्सन के ऊपर किसी चीज के ऊपर किसी और चीज को रख दिया गया तो उसकी पोजीशन क्या होगी हायर होगी जैसे कि एवरी वन नीड्स अ रूफ ओवर हिज हेड ठीक है अब सभी को अपने घर के अपने सर के ऊपर क्या है छत चाहिए ठीक है तो छत की पोजीशन रूफ़ की पोजीशन हायर होती है और हमारे ऊपर समझ लो सपोज हम हैं ठीक है हम लोग हैं अपने घरों में तो हमारे ऊपर जो रूफ़ है उसकी पोजीशन क्या है हायर है उसकी पोजीशन क्या हायर है तो वो हमारे हमारी पोजीशन से हायर पोजीशन पे रखी गई है तो तब जब हमारी पोजीशन से हायर पोजीशन पे है मतलब तो वहाँ पे क्या लगेगा ओवर लगेगा ओके एक्सरसाइज आपने करनी है हर ब्यूटी इज डैश प्रेज हर ब्यूटी इज़ डैश प्रेज जल्दी बताइए यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है ठीक है तो क्वालिटी की बात जब होती है और उसकी पोजीशन क्वालिटी के टर्म्स में हाई होती है तो क्या लगता है अबव लगता है वेरी गुड क्या लगता है अबव वी फ्ल्यू डैश द क्लाउड्स वी फ्लू डैश द क्लाउड्स यस अबव क्योंकि क्लाउड्स के ऊपर ही होते हैं ना हम क्लाउड्स के ओवर थोड़ी ओवर तो तभी होता है जब प्लेस की हो है ना यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि क्लाउड्स जो हैं ठीक है हम जो हैं उनसे हायर पोजीशन पे फ्लू करते हैं समझ लो एरोप्लेन में जा रहे हैं कुछ भी है ठीक है क्लाउड्स जो है वो ऊपर ही रह जाते हैं मतलब नीचे रह जाते हैं सॉरी ओके सो वी फ्लू अबव द क्लाउड्स तो हम हायर पोजीशन पे फ्लू करते हैं आई पुट अ कैंडल डैश द बेड आई पुट अ कैंडल डैश द बेड अ बेड समथिंग है समझ लो एक बेड थिंग है उसके ऊपर जो है वो कोई चीज प्लेस कर दी जब प्लेस कर दी तब क्या लगता है yes तब क्या लगता है ओवर लगता है आई पुट अ कैंडल ओवर द बेड ही छोटी हरकत जिसको बोलते हैं ना ही इज डैश सच petty थिंग्स ही इज ओवर होगा कि above होगा जल्दी बताइए जल्दी बताइए अच्छा response दीजिए जल्दी यस ही इज above सच petty थिंग्स की वो इन नीच हरकतों से कई ज्यादा गुना ऊपर है सो so, आप लोगों को समझ आ गया है प्लीज बताइए मुझे क्या समझ आ गई है आप लोगों को प्रेपोजिशन फिर भी कोई डाउट होगा सो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए इट विल बी इजी फॉर यू सो असाइनमेंट मैं आपको ये दे रही हूँ यू हैव टू सॉल्व दिस असाइनमेंट एंड सेंड इट टू मी ठीक है या तो अगर कोई पर्सन है जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अगर जिसने ज्वाइन किया है व्हाट्सएप ग्रुप वो प्लीज मुझे पर्सनली इनके आंसर्स जो है वो सेंड कीजिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ठीक है इनके आंसर्स जो है मुझे सेंड कीजिए ओके समझ आ गई आप लोगों को ये सारी बातें गॉट इट सो अब मुझे बताइए आपको समझ आ गया है ना प्रेपोजिशन वगैरह सब और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो प्लीज़ बता दीजिए कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से अगर बनानी हो किसी और टॉपिक पे वीडियो तो आई एम वेटिंग और कोई और बात आप पूछना चाहते हैं या कुछ भी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं सो इट्स इनफ फॉर टुडे दैट्स ऑल ठीक है इतना ही था हमारे आज का तो प्रपोजिशन का टॉपिक हमारे यहीं पर ख़त्म होता है ओके okay, और जिन्होंने व्हाट्सएप और ये सब ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लें बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे हम सेंड करते हैं और जल्दी से जल्दी अगर कोई मॉक टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो जाना चाहता है अवेल करना चाहता है इस ऑफ़र को तो प्लीज़ अवेल कीजिए इस ऑफ़र को बिफोर द दे ड्यू डेट ओके ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं है लेकिन फिर भी लिमिटेड है ओके सो so आपने असाइनमेंट करनी है और मुझे सेंड करनी है ठीक है एट इसमें एट फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको फ़िल करने में मैंने ऑप्शंस दिए हैं सो फिल इट एंड सेंड इट टू मी सो यू सो मच गाइज और आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे बता दो समझ आता है ना आपको ये बता दो मुझे समझ आती है ना आपको चीज़ें सारी सो यस सो थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय